तो ब्रेकफास्ट में है कि मेथी के परांठे एंड चाय और इसका अपना ही चाय। आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो शिवान। रोंगी का डब्बा लेके घूम रहे थे। ये टॉय नहीं है आपका। वाओ शिवी कितना है। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another day. Just नहाया है, अभी breakfast वगैरह कर लिया है और आज तो इतना amazing breakfast बनाया था मम्मा ने, full on desi style. मक्की की रोटी साथ में मैंने ली थी चाय और बहुत ही दिनों बाद चाय पीने को मिली है. Normally रोज चाय बना रही हूँ, पानी हो जाती है पीने तक, यहाँ तो बना के भूल जाती हूँ कि मैंने चाय बनाई हुई है. शिवांश लेट करा देता है. तो आज बहुत दिनों बाद गरम गरम चाय लिए साथ में, बहुत अमेजिंग फील हो रहा था. वेदर भी बहुत अच्छा हो गया बाहर, इसीलिए इसको मैं बाहर ले आई हूँ. मैं लगे हूँ अंदर अपने कामों में, थोड़ी देर एंजॉय कर ले. और ये तो पोचे के साथ लगा हुआ खेलने अपना, या तो इसको सारा दिन टीवी दिखा लो या शैतानियां करा लो. तो आई थॉट की चलो शैतानियां कर ले थोड़े देर, इसका अब कम कर दिया. ये क्या था अभी चोट लगनी थी ना. मम्मा नहीं मानेगी. हाँ कहाँ जाना बाहर नहीं जाना, पोचे के साथ खेलते हो. चलो अब खेल लिया, चल हैंड वॉश कर, चल बाहर नहीं जाने को मिलना मुझे. इतना ज्यादा जिद्दी हो गया ये लड़का, तो बात नहीं पूरी होती तो जमीन पे लेट जाता है, नया काम शुरू करती है. तो मम्मा बोल रहे थे कि इसको अवॉइड करो नहीं तो इसको हैबिट लग जाएगी कि हाँ ये लोग मेरी सारी बातें पूरी कर रहे हैं. अभी मम्मा के पास इसको छोड़ के आई हूँ और मैंने अभी निकाला लैपटॉप, थोड़ा बहुत काम करेंगे, कुछ डाटा वगैरह ट्रांसफर करना है, कुछ फाइल्स एडिट करनी है. 1.5 घंटा है मेरे पास, मम्मा उसको देख रहे हैं ना. वैसे तो मेरा मन था कि वॉक पे जाऊँ मम्मी के साथ, पर इसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी ना किसी को तो इसको देखना ही पड़ता है. जब भी कभी लैपटॉप वगैरह ऑपरेट करना होता था तो मुझे एक मुसीबत पड़ जाती थी कि अब माउस को कौन कनेक्ट करेगा, पर अब बार बार यूज कर करके एटलीस्ट माउस तो कनेक्ट करना मुझे आ ही गया है. सेटअप हो गया सारा ट्रांसफर और अभी मैंने इसको ऑन ही छोड़ दिया क्योंकि लैपटॉप चार्ज हो रहा है. 3 बज गए तो करते हैं लंच, बहुत भूख लग रही है. मम्मा को बोलती हूँ लंच करते हैं साथ में और मीनवाइल रोशनी भी सारा क्लीन कर लेगी. लंच करें? मैं कर दे. लंच कर भी लिया आपने मेरे बिना ही? हाउ मीन. आपको पता ब्रेकफास्ट तो मैं लेट ही करती हूँ पर लंच मैं जल्दी कर लेती हूँ. आप तो उतनी देर खाते नहीं जब तक घर के सारे मेंबर्स खा नहीं लेते. मैं बाहर हूँ फैमिली से. अब मैंने ना मम्मी कल एक कोट पढ़ा है. कोट नहीं पढ़ा, गलत बोल गई मैं, क्या पढ़ा है मैंने. मैं ना किसी का इंस्टा पे देख रही थी तो वो प्रमोट कर रहे थे अपना स्किन केयर का. तो वो बोल रहे थे कि जैसे एवरी डे ब्रश करना जरूरी है वैसे स्किन का ध्यान रखना भी जरूरी है. पर आप एक चीज बताओ, अगर हम आधा दिन ब्रश नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमारा माउथ स्टिंग करने लग जाएगा. मैं तो मम्मी को यही बोल रही थी जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे. हाँ तो वो बंदी क्या बता रही थी कि आप जैसे ब्रश करना जरूरी है ना एवरी सिंगल डे, वैसे स्किन का ध्यान रखना जरूरी है. और वो इतनी मतलब यूजलेस एक्सप्लेनेशन दे रही थी इस चीज की. अगर हम सपोज देखो ब्रश ना भी करें तो क्या ही फर्क पड़ेगा ना, दांत तो साफ ही होते हैं. पर हम फिर भी करते हैं ना भाई, मुंह तो स्टिंग करेगा ना, तुम्हारा फेस थोड़ी स्टिंग करने लग जाएगा अगर स्किन का ध्यान नहीं रखोगे. मतलब इतनी फुलिश बात कर रही थी वो बंदी. तो वी हैव आलू मटर, व्हाट एल्स कह रहे थे, कोई सैलेड भी है और रॉन्ग सैलेड टाइप बना हुआ है. एक्चुअली आजकल मिस्टर संजीत की नई फरमाइश है कि चाहे बेसिक फूड बना लिया करो पर साथ में कुछ सैलेड्स वगैरह बना लिया करो. तो रोज हम कुछ ना कुछ आजकल ऐसे एक्सपेरिमेंटल करते रहते हैं. इनको मतलब फूड में भी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटीज चाहिए. टाइम हो रहा है अराउंड 5:30 और मैं जा रही हूँ संजीत के साथ घूमने. आप जाना चाहोगे हमारे साथ? नहीं घूमने नहीं जा रहे, जो डीमार्ट की इनॉग्रेशन हुई है जिसका इनवाइट आया था आप उसको देखने जा रहे हो. या शॉपिंग भी तो करके आएंगे, सिर्फ देखने जा रहे. शॉपिंग करने नहीं जा रहे, रश अच्छा खासा होगा. देखो ज्यादा ओवर होगा तो वापस आ जाएंगे. वापस क्यों आना, घर क्या हो जाओ. अभी शिवान सो रहा था तो मैंने सोचा कि ये अब आज घर जल्दी आ ही गए हैं तो मौके का फायदा उठाते हैं. और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नया खुला देख के आते हैं कि क्या क्या रखा है, क्योंकि ये उसमें और इसमें तो बहुत फर्क है ना, ये बहुत बड़ा आउटलेट है. तो जाके पता लगेगा कि कैसा. अगर बहुत ज्यादा क्राउड होगा तो वापस आ जाएंगे. वैसे मैं डबल मास्क कैरी कर रही हूँ, मास्क पहन लूंगी तो सेफ्टी है. मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपकी कार इतना स्टिंक क्यों कर रही है? सब्जी मम्मी ने जो वही मेरी गाड़ी में मंगा देते हैं. इतनी बियर सी स्मेल आ रही है कार में से. कार परफ्यूम भी आपका बेसर है. कॉल आ रहा है. फाइनली रीच दिल्ली. हमें 5 मिनट लगे होंगे हमारे घर से, बहुत ही पास है ये वाला. तो लिखा यहाँ पे एंट्री हुआ और बोल रहे हैं वहाँ से एंटर करो. यहाँ पे इतनी ह्यूज बेसमेंट पार्किंग है. ये तो आप जैसे लोगों के लिए जगह है संची, जिनको हर टाइम पार्किंग इश्यूज होते हैं. एक्चुअली वहाँ हम डीमार्ट जाते हैं ना, वहाँ संची को बहुत इश्यू होता है क्योंकि वहाँ पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं है. पार्किंग ना होने के कारण रोड पे इतना को रश हो जाता है, यू कांट इवन इमेजिन. तो इतना क्राउडेड सा हो जाता है. तो दिस इज अ बिग प्लस की यहाँ पे खुली डुली पार्किंग है, जो स्पेशली लोग कार से ट्रेवल करते हैं, हमारे जैसे जो एक्टिवास वगैरह कम यूज करते हैं. मास्क मैंने अपना पहन लिया, डबल मास्किंग कर ली है, फिर से जाएंगे.
in my veins. I've been driving this train. यहाँ के भी कॉल थे और इस सेक्शन में तो हमेशा ही अच्छे खासे डिस्काउंट्स होते हैं, लाइक बाय वन गेट वन 10 off 20 off. और इनका शुरू हो गया काम, मेक श्योर की ओवर परचेजिंग ना करना यहाँ पे आके, जस्ट बिकॉज के डिस्काउंट्स अच्छे हैं तो शुरू हो गए हैं ऑलरेडी. यहाँ पे मॉकटेल्स वगैरह पे भी इतनी वाइड वैरायटी ऑफर्स हैं. I'm going to grab this one, जिस पे अच्छा खासा डिस्काउंट है. Push pause, now I push play. इतनी वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स है यहाँ पे. दिस प्लेस हैज ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स और हम तो बस एक्सप्लोर ही करते जा रहे हैं. इतनी वाइड ऑप्शंस है, बाय वन गेट वन. और इनफैक्ट प्लस थिंग इज कि आपको दो चीजें लेने की जरूरत भी नहीं है, आप एक सिंगल आइटम भी फॉर 50% ले सकते हो. इतना क्लोथिंग ऑप्शंस है यहाँ पे, फ्रोजन भी है ढेर सारा ऑप्शंस पे, और कहीं हुए तो बाय वन गेट वन ऑफर भी लगी हुई है. सच अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्रोजन एज वेल. डन विद द शॉप. इतना क्योस हो गया था वहाँ पे, हम गए थे तब तो इतना क्राउड नहीं था, बट लेटर ऑन इतना को क्राउड हो गया था. और मैंने तो सारा सामान ट्रॉली में ही निकाल लिया. मैंने बोला, मैंने कहा ऐसी कार में फेंक लें. ऑलमोस्ट 3000 की परचेज की है, जिसपे अराउंड 1400 समथिंग हमने सेव किया ऑन MRP. सो गुड डील. पर मैंने ये चीज नोट किया कि ऐसी जगह पे आके आप इतना रैंडम और फालतू का सामान खरीद लेते हैं, ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, मतलब एक भी ग्रोसरी आइटम नहीं ली और फिर भी इतना बिल बन गया फॉर नो रीजन. और इतना क्राउड हो गया था, कितना रश है इधर, अभी काम हो गया. फालतू कितनी शॉपिंग किया. जब मम्मा कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, मेट्रो वगैरह या डीमार्ट, तो हम मम्मी से इतना लड़ते हैं कि आप बेफजूल खर्च करके आते हो, इतनी स्पेंड करके आते हो. आज हम दोनों खुद गए तो हमें रियलाइज हो रहा है कि जब आप जाते हो तो आपका कुछ भी दिल करता है. वैसे तो बाकी स्टोर्स जैसा ही है, जैसे मेट्रो हो गया या बिग बास्केट हो गया, बिग बाजार हो गया, वैसा ही है स्टोर. पर एक एडवांटेज ये है कि इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक ये प्लस पॉइंट है कि इतने ह्यूज डिस्काउंट्स कहीं पे भी नहीं मिलते. सो आई थिंक इट्स अ बिग प्लस फॉर डीमार्ट. वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको इतनी वर्थ इट नहीं लगती, बट एट द सेम टाइम वो चीजें आपको चीप प्राइसेस पे भी अवेलेबल है. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको वो चीजें पसंद आती हैं, प्राइस वाइज लोग जाते हैं. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड. और मुझे ये चीज एक और अच्छी लगी कि जो पिछला डीमार्ट है जो गुरु नानक मिशन चौक की तरफ है, उसमें फ्लोर्स हैं, जगह की शॉर्टेज होने के कारण उन्होंने मल्टीपल फ्लोर्स बनाए हुए. तो इसपे नीचे ही सिंगल फ्लोर पे कितना ही ज्यादा था, मतलब आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, आराम से आप एक ही फ्लोर पे घूमते. और एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको इतने डिस्काउंट्स हैं. मुझे मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ पे आना है तो प्रॉपर एक चेकलिस्ट बना के आनी पड़ेगी, वरना डिस्काउंट्स देख के इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि ये भी खरीद लेते हैं वो भी खरीद लेते हैं. जो आप एक्चुअल शॉपिंग करने आए होंगे वो आपका डेफिनेटली छूट जाए. वेलकम होम. बहुत मजे करके आए हो ना आप. बिल्कुल मजे नहीं किए, इतना रश था ना वहाँ पे. यू कांट इवन इमेजिन. आपके मतलब का वहाँ बहुत कुछ था, जैसे कि वाइड वैरायटी ऑफ प्लास्टिक स्टफ. सारा नीचे ही आ गया ग्राउंड फ्लोर पे ना. अभी ऊपर भी बनेगा, पर ऊपर को अभी कुछ बना नहीं ना होगा, तो अभी असेस नहीं दी हुई थी हम तो लिप से गए थे, सब कुछ कर दिया है. और वहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स थी ना, वो हाँ वो बार बार मुझे कह रही थी कि नंदनी चोपड़ा नहीं आए, नंदनी चोपड़ा नहीं. मैंने कहा भेजेंगे, उनको भी भेजेंगे. मेन तो वही बंदे हैं ना जो आके शॉपिंग करते हैं यहाँ पे. पर मम्मा मुझे ऐसा फील हो रहा था, कि जैसे वहाँ पे हम जाते थे ना तो ऊपर के फ्लोर्स पे होता था, इतना कन्वीनियंट नहीं होता था और जगह कम होती थी तो हॉच पॉच होता था. यहाँ बहुत खुली डुली जगह. ये टॉय लेके आए हम शिवांश के लिए डीमार्ट से, इसको पहले मैं सैनिटाइज कर दूंगी, देन इसको दूंगी. मुझे लगता है हमें एक बार ना बिल टैली करना चाहिए, हमने बहुत सामान मंगाया है. संची कर रहे हैं काम और मम्मी देख रहे हैं शिवांश को, तो इन दोनों को लगता है कि घर में मैं ही वेली हूँ, तो मैं बैठ के सारा बिल टैली करूंगी. है लगता नहीं है सीधा फोन भी आ. ओ प्लीज. ओके हाँ, बिल इज सेइंग 71 आइटम. हाँ देखती हूँ. एक्चुअली संची की हैबिट है, जब भी हम कहीं नई जगह पे होके आते हैं तो वो बिल जरूर चेक करवाते हैं कि देखो कि यहाँ पे ठीक होता है ना काम सारा. ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसा ऊपर नीचे होगा, इतना बड़ा स्टोर है, पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर ले. क्या हुआ? विशाल मेगा मार्ट बिल की गलती थी. अच्छा. और जो तो नवा खुलिया सी दिवाली की ऑफर लगी हुई थी, चले गए. क्या कांड हुआ था आपके साथ? 2600 का 3600 रुपया उस जमाने में ज्यादा ले लिया, इधर हट जाओ. तो आपको पता ही नहीं लगा उन्होंने आपसे इतने पैसे? नहीं कह रहा कि मैं भी लाया, मैं रस्ते सोची जो मैं इतने पैसे लग गए, 10000 रुपया लग गया, 10000 रुपया लग गया. उस जमाने 10000 काफी हुंदा सीगा. जिस तरह मैं कह रहा कि पहले राज अंकल को टैली कराया, मैं टैली किया, मैं कटिया जिदा 2600, राज अंकल ने कटिया 2000, उन्होंने कटिया 3600 रुपया. वालों ने हाँ वापिस कि
सो लकी यू आर ना, अगलों ने आपको गिफ्ट भी दिया। तो फिर जैसे मम्मी कह रहे हैं फिर तो टैली कर ही लेना चाहिए। बिल मैंने ले लिया, आइटम से गिन लेती हूँ, ये सबसे बेस्ट आइडिया है, नहीं तो इतना कौन ही टैली करेगा। टैली तो मैंने सब कर लिया पर थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया, कोई ना इसको उठाऊंगी। पहले इसको टॉय देती हूँ इसका। चीवी दे रहे हैं दादी, वेट करो। ए फॉर एप्पल। चलो ओके, अब खेलना शुरू हो गया। अभी टाइम हो रहा है रात की 8:30 और करने लगी थी डिनर। डिनर में आज हमारा मेन्यू है सिगारो, स्प्रिंग रोल्स एंड नूडल्स। मैं डीमार्ट चली गई थी तो मीनवाइल मम्मी ने सारा पीछे से रैप करके रख दी थी, बस अब इनको फ्राई करना, अभी ऑयल हो रहा है और रेडी टू सर्व है। चटनी आई एम यूजिंग थोड़ी सी शेजवान और थोड़ा सा टमाटो केचप, तो मिक्स कर लेंगे। संजीव को प्रॉपर होटल फील देने के लिए मैंने ब्लैक क्रॉकरी में इनको डाल के दिया है। ये कैसे बने हैं? मम्मी ने बनाया है, मैंने बस फ्राई किए हैं, बनाए मम्मी। जब मैं बनाती हूँ तब भी तो ऐसे ही बनते हैं, बड़े स्वाद बने। मैं जब बनाती हूँ तब स्वाद नहीं होते। मेरे कभी नहीं खाया आपने? मेरे कभी नहीं खाया आपने? कहा मैं केड़ा खाते हैं। संजीव स्वाद बने हैं ना, मेरे जैसे ही बने हैं ना, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मम्मी को ज्यादा पसंद आया है। एक तो मैंने इतनी प्रेजेंटेशन की, मम्मा इतना एफर्ट किया, लेटर्स लगा करके डेकोरेट किया, देखा सारा क्रेडिट आप ले जाते हो हमेशा। That's not fair. Yes. क्या चाहिए? हो गया शुरू काम। And with the dinner, बहुत ही अमेजिंग था। और जब कोई और बनाए और आप खाओ तो मजा ही कुछ और होता है ना खाने का। और बस अब मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए। रीजन ये है कि इसने मिस्टर ने सारे उस पे केचप गिरा दी थी और उस केचप के ऊपर मैं बैठ गई थी, तो मैंने कहा वाइप से क्लीन कर देती हूँ। आज संडे जब मुकुल आया था तो वो मुझे पूछ रहा था कि ये सारा दिन ऐसे गन डालता रहता है बेड पे, तो क्या बार बार बेडशीट ही चेंज करते रहते? तो मैंने उसे कहा कि नहीं भाई, अब हम बेडशीट नहीं चेंज करते, दो दिन हम एक ही बेडशीट चलाते हैं। हम क्या करते हैं, बस वाइप्स रखे हुए हैं, यही हमारा एकमात्र सहारा है। खाना इसने कुछ नहीं है और गंद इसने खूब डाला है यार, इसी में है, इसीलिए लेके आए हो ताकि गला खराब कर लो। अरे संजीव एक गोली बिल्कुल ना खा, दूजी खा ले, फिर तेन वहम चढ़ जाएगा। मैं उठे होके आया सी घर में, पेस्टी थी बाय मम्मी। देखो डिनर के बाद अब हमें मिलने लगी है हमारी टूटी फ्रूटी। वैसे तो हम कल भी खा चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज हमें बिल्कुल ही मिलेगी। मामा मुझे लगा था आइसक्रीम खत्म हो गई होगी, और जबकि आइसक्रीम तो प्रॉपर पड़ी हुई है, अब सेकंड टाइम की भी बनने के लिए। तो मम्मी बनाने लगी है। ये बड़े ग्लास हमारे हैं, मेरा और संचित के, मीडियम पापा का, और जो ये छुटकू सा छोटा बच्चा है ना जो ग्लास का, ये मम्मी का। मामा की टूटी फ्रूटी बहुत ही अमेजिंग होती है क्योंकि मामा इसमें बहुत कुछ डालते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। इसमें है आइसक्रीम, दो तरह की आइसक्रीम। वैसे नॉर्मली हम तीन यूज करते हैं पर हमें दो ही फ्लेवर मिले थे। यह है स्ट्रॉबेरी सिरप, ये भी घर पे बनाया है, और ये सारे नेचुरल फ्रूट्स जो जो अवेलेबल थे वो लिए। नहीं तो नॉर्मली हम डेलमोंटे का भी तो यूज कर लेते होते ना मम्मा बहुत बार, तो बस अब लेयरिंग कर रहे हैं मम्मा, लेयर बाय लेयर कर दे। कल भी हमने खाई थी, मतलब इतनी ठंड में भी रेजिस्ट नहीं हो रही थी आइसक्रीम, आज हम फिर से खाएंगे दोबारा। अपनी टूटी फ्रूटी को टॉप अप कर लिया क्रंची के साथ, इसके साथ खाएंगे। और संची की मैं रखने लगी हूँ फ्रीजर में क्योंकि ये कहते हैं मैं बाद में खाऊंगा, और इसको कर दूंगी मैं कवर, नहीं तो कहेंगे मेरे को स्मेल आ रही है। अभी मैं रूम में आई हूँ, जस्ट क्लीन करके हटी हूँ, तो ये हाल है रूम का। पापा बिजी हैं काम में तो इसकी ऐश लगी हुई है। ओ हेलो, ओ हेलो, नो छी गंदा, ज्यादा ही प्यार आ रहा है पापा पे। नो मैंने ना जब वहाँ पे ले रहे थे ना ये डीमार्ट पे ये टॉय, तो मैंने कहा भी कि ये टॉय लेने का कोई यूज नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ना, क्योंकि जितने टॉयज पापा लेके आते हैं सब तोड़ देते हैं, उसको भी फेंक दिया, आधे अल्फाबेट्स भी घुमा, कोई फर्क नहीं है इस बंदे को, आराम से ना बैठ के अपने सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा एप्रिसिएशन होता है, पता लगता है कि लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम और एफर्ट के साथ वीडियो लेके आऊंगी। और प्लीज कॉमेंट कीजिए, कुछ भी कॉमेंट कीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो में, अगर कुछ नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी कॉमेंट कर दीजिए प्लीज, मुझे पता तो लगे ना आप लोगों को क्या नहीं पसंद आया व्लॉग में। आप लोग बस वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, कॉमेंट भी नहीं कर रहे, तो प्लीज लाइक भी कीजिए, कुछ कुछ एक्स वाई जेड कॉमेंट भी कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं नॉट सब्सक्राइब जोन में हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पर वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मेड लास्ट सम मिस्टेक्स, टेकिंग शॉट्स, स्किपिंग ब्रेक्स, फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग ग्रेट, पॉपिंग ऑफ, सिंगिंग स्ट्रेट, नेवर स्टॉप, नेवर चेंज्ड, ऑल द स्क्वाड हियर टू प्ले, एंड आई हैव गॉट समथिंग टू से, या।